हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के जाना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करो आगे से। और आज मैं कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग कर रही हूँ। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनके अपने पार्टनर से कोई बात नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, और आप जानना चाहते हो कि अब उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, सब कुछ, तो उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं कुछ रैंडम कार्ड्स निकालूंगी और पिक करने की कोशिश करूंगी आपके पर्सन के एनर्जीज़ को। हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग? आपके पर्सन कैसा महसूस कर रही है? ओके, कैप्रिकॉन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज एनर्जी, द फूल, एरीज। ओके, आई थिंक जिनसे भी आप डील कर रहे हो, सबसे पहली बात मुझे ये दिखाई दे रही है, ये पर्सन गुस्से में है, नाराज़ है। दे आर इन दिस मोड जहाँ पे वो पर्सन एक्सप्रेस नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं निकल के आ रहे सामने से, कुछ भी बात नहीं करना चाह रहे, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे, कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे, बस मूव ऑन कर रहे हैं। या तो, या फिर ये पर्सन दे आर नॉट, मतलब ये ऐसा दिखा रहे हैं ऊपर से, आई डोंट गिव अ डैम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू। बहुत लोगों के लिए आई थिंक सेक्शुअल फीलिंग्स भी काफ़ी जनरेट हो रही है इनके मन में आपको लेकर, लाइक फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टू यू, फीलिंग यू नो, एक मैग्नेटिक पुल भी फील कर रहे हैं आपकी तरफ, नहीं आपको भूल पा रहे। बट मुझे नहीं लगता ये पर्सन कोई एक्शन ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, जैसे आई डोंट फील एनीथिंग अबाउट यू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, बट अंदर देर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन इनके अंदर, ठीक है, आपको लेकर। मुझे नहीं लगता ये पर्सन अगर दिखा भी रहे हैं कि जैसे मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, तो वैसा नहीं है, दे हैवंट मूव्ड ऑन येट। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन मूव ऑन हुए हैं, मे बी जस्ट शो ऑफ कर रहे हैं आपके सामने, मे बी आपको ऐसा जता रहे हैं कि यस आई हैव मूव्ड ऑन, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट मोड वी हैव। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वाओ, लियो, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पाइंग गोइंग ऑन, स्पाई कर रहे या तो आप या तो वो, मुझे तो वो पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं, वो ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, या यू नो मे बी अब वो अटेंशन देना चाहते हैं बट डर रहे हैं, मे बी पास्ट में उन्होंने आपसे अच्छे से डील नहीं किया, आपसे अच्छे से बिहेव नहीं किया, एंड नाउ दे डोंट नो, दे हैव नो आइडिया कि क्या किया जाए, कैसे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, मे बी गोस्ट कर दिया था उन्होंने तो हिम्मत नहीं कर पा रहे कि कैसे बात किया जाए, मे बी आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो अब, या फिर उनको लग रहा है ऐसा कि मे बी आपकी तरफ से अटेंशन नहीं मिल रहा है। स्पाइंग ऑन यू, डेफिनेटली स्पाई कर रहे हैं, ये चीज़ तो पक्का है। लिब्रा, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, सिक्स ऑफ वॉन्स, उन्हें एक चीज़ बड़ी ही श्योरिटी है कि यू बोथ आर गोइंग टू बी टुगेदर, ये इनको एक अलग लेवल का श्योरिटी है कि नहीं हम दोनों एक साथ होने ही वाले हैं। सी, जैसे मैंने पाइल को कट किया, एस ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, आई थिंक वो उनको लग रहा है कि वो कुछ ऑफर करेंगे और आप मना कर दोगे, आप गुस्सा हो, बट इनको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है कि सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइक एक चांस मुझे मिल जाएगा इस रिश्ते में, मैं जस्टिस दे पाऊँगा, या मुझे इस रिश्ते को फिर से एक मौका देने का चांस मिलेगा, दैट इज़ व्हाट दे थिंक, ऐसा सोच रहे ये पर्सन। व्हाट मोर डू वी हैव, दे वांट टू इन्वेस्ट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये पर्सन चाहते हैं रिश्ते पे काम करना, दे वांट टू इन्वेस्ट ऑन टू द रिलेशनशिप, मे बी दे हैव चॉइसेस, या उनको लग रहा है आपके पास चॉइसेस है तो दे वांट टू रश इन, वो नहीं चाहते कि आप छोड़ दो उनको या आप चले जाओ, दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू हैव योर अटेंशन, मे बी आपके लाइफ में कोई और है या उनके पास कोई चॉइसेस है और वो नहीं चाहते कि आप किसी और के पास जाओ, उन्हें
बिल्कुल मंजूर नहीं है कि आप उनको छोड़ दो और किसी और के पास चले जाओ. ओके, दे वॉन्ट टू रश बैक इन. जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वो चाहते हैं वापस आ जाना और आपको खोना नहीं चाहते बेसिकली. दे डोंट वॉन्ट टू लूज यू. ओके, दे वॉन्ट टू शो देयर फीलिंग्स. नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, डेफिनेटली वो अपने फीलिंग्स को दिखाना चाहते हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा हाउ टू, वॉट टू, कितने फीलिंग्स दिखाया जाए, कैसे फीलिंग्स दिखाया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को बेहतर बनाया जाए. मे बी दे डोंट हैव मच टू ऑफर राइट नाउ, बट मोर डू वी हैव. दे आर हर्ट. जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, डेफिनेटली हर्ट है ये पर्सन. दे आर फीलिंग हर्ट या फिर डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि एंडिंग हो चुकी है और आप नहीं उनमें इंटरेस्टेड हो, आप नहीं उनका शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे हो, एंड दिस इज़ हर्टिंग देम. एवरीथिंग दे आर थिंकिंग इज हर्टिंग देम. ओके, या प्लानिंग समथिंग. एरीज, लियो, साज, एनर्जी, दे आर प्लानिंग समथिंग, दे आर लुकिंग बैक ऑन यू. प्लान कर रहे हैं कुछ, देख रहे हैं कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, क्या आप उनसे बात करना चाहते हो, क्या आप रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो. डू यू रियली वांट टू टेक दिस फीलिंग्स लाइक दिस रिलेशनशिप फर्दर. ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे इस पर्सन के. ओके, डेफिनेटली दे वांट टू हील थिंग्स नाउ. एक तो ये खुद हील हो रहा है. देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको लग रहा है कि वो पर्सन तो हर्ट है ही नहीं, उन्होंने तो उल्टा मुझे ही हर्ट कर दिया. ऐसा ज़रूरी नहीं है. डोंट नो ना देयर पार्ट ऑफ स्टोरी. मे बी उनको हर्ट हो रहा हो, मे बी वो एक्सप्रेस ना कर रहे हो. ठीक है, दे विल ट्राई टू, अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा था तो दे विल ट्राई टू गेन योर ट्रस्ट बैक एंड मेक थिंग्स राइट विथ यू. ये भी मैं देख पा रही हूँ. वो चाहेंगे, ट्राई करेंगे आपका दिल अगर उन्होंने तोड़ा था तो उसको हील करने का. या दे विल, मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी साइड ऑफ द स्टोरी आपको बताएंगे कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, व्हाट एंड हाउ मच आई फील फॉर यू, कितना इम्पॉर्टेंट तू मेरे लिए. वर्गो एनर्जी है, हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर फॉर मी, हाउ प्रेशियस यू आर फॉर मी. इनको रियलाइजेशन होने वाली है बहुत ही जल्द आपको लेकर. या शॉर्ट आउट करना चाहेंगे, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहेंगे. सेगिटेरियन एनर्जी है. They want to do things right. They want to make things right with you. Equal give and take भी करना चाहते हैं इस रिश्ते में. And the bottom of the deck is wow, 10 of Pentacles. Definitely they want a long term relationship with you. Okay? आपकी energy देख लेते हैं. आप क्या सोच रहे हो, आप क्या feel कर रहे हो. People watching this video, I want to know their energy. I want to see how they are feeling right now. एडवाइस भी देखेंगे आपके लिए, डोंट वरी. ज़्यादा लंबी नहीं है गाइज, फिर से बताती हूँ आपको. वीडियोस बहुत छोटी वीडियो होने वाली है बट आई रियली वॉन्टेड टू मेक इट. आपने मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो नहीं देखा होगा, देख लीजिएगा. यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा वीडियो था. ये है ये वाला वीडियो, मैंने अपलोड किया था. वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, अभी एक घंटे पहले ही किया था मैंने अपलोड, 4 बजे, देख लीजिएगा. ओके, लिंक मैं दे दूँगी. ओके, हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो. ओके, आपको तो ऑब्स्टैकल्स दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको उनके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं. मे बी आपको लगता है उनके पास लोग हैं, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कोई रोक रहा है, या आपको काफ़ी फैमिली इशूज़ हैं उनकी तरफ से, आपकी तरफ से. यू फीलिंग स्टक. अगर कोई ऑब्स्टैकल्स नहीं तो एटलीस्ट आपको बहुत स्टक सा फील हो रहा है. ओके, अटका हुआ सा, हैंग्ड. या यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग. एरीज, लियो, सैज, एनर्जी, आप वेट कर रहे हो, आप इनके तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो. ठीक है, आप रेडी हो ठीक करने के लिए चीज़ों को, बट यू आर एक्सपेक्टिंग. सी, जैसे मैंने डेक को कट किया, 4 of Swords एंड 4 of Pentacles. आई थिंक यू आर वेटिंग, होल्डिंग ऑन, हील कर रहे हो खुद को हर्ट से, जो भी हुआ था पास्ट में उससे. आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त. यू आर नॉट शोइंग योर फीलिंग्स. द मून, पाइसिस एनर्जी, मे बी आप अपने फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हो. ठीक है, कहीं ना कहीं आप हाइड कर रहे हो अपने फीलिंग्स को. बट आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन.
टैरो के थ्रू देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी. चलिए ये देख लेते हैं कि क्या आपको उनसे बात करनी चाहिए या आपको वेट ही करना चाहिए. वैसे तो मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए. क्या आपको खुद से बात करनी चाहिए या आपको वेट करना चाहिए. आई थिंक अगर आप बात करने जाओगे डिजास्टर होगा, झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मिसअंडरस्टूड किया जाएगा आपको, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी. सो प्लीज़ वेट. ओके, मुझे नहीं लगता आपको बात करनी चाहिए खुद होके. या अगर ब्लॉक कर रखा है तो हाँ ब्लॉक हटा दीजिए, बट खुद से बात मत करिए. ये खुद ही पर्सन करेंगे आपसे बात. शुड यू टॉक? नो, आई डोंट थिंक. यू आर फीलिंग स्टक, यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड पाइसेस एनर्जी, बट प्लीज़ खुद से बात मत करिए. ओके, एक प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कि आपकी बात इनसे कब होगी, लाइक नो कॉन्टैक्ट कब ख़त्म होगा, और फिर हम लोग एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए. ओके, आई वॉन्ट वन मोर कार्ड टू क्लैरिफाई. क्वीन ऑफ कप्स, द सन. Probably in the next 11 to 12 days के अंदर आप दोनों की बात होगी, और मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलके फाइनली यू विल फील हैप्पी. ट्रस्ट योर इंट्यूशन. बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस. ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है. व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू फ्रॉम द ओरेकल. मूनोलॉजी ओरेकल यूज़ कर रही हूँ मैं. ओके, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. डेफिनेटली ये साइकिल आपके लिए अगर टफ रहा है नो कॉन्टैक्ट वाला, तो डेफिनेटली वो एंड होने वाला है. अभी नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में चले जाओगे. अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. वाओ, एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है, और यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. तो अगर गोल आपका ये पर्सन थे तो यू आर वेरी क्लोज नाउ. ओके, डोंट वरी. हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं. आज मैं लव मैसेजेस नहीं पढ़ूंगी, अवेलेबल नहीं है मेरे साथ अभी, और मैं सिर्फ हैंड रिटन मैसेजेस ही पढ़ूंगी. और मुझे चेंज भी करने हैं एक्चुअली. बहुत टाइम से सोच रही हूँ चेंज करूँ, बट टाइम नहीं मिल रहा था. तो अब शायद मैं वो टाइम चेंज करने के बाद ही रीड करूँगी नए मैसेजेस. व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू. ओके, कम्युनिकेशन रिसीव होगा. यू आर गोइंग टू टॉक टू दिस पर्सन वेरी सून. आपको इनका आवाज़ सुनने मिलेगा. मे बी वॉइस कॉल करे आपको. मे बी आपने ब्लॉक कर रखा होगा तो वॉइस कॉल ही करेंगे, राइट? या वहाँ पे भी ब्लॉक कर रखा है. एनीवेज, चलिए देखते हैं. सरप्राइजेस, सरप्राइज आ रहा है आपके पास. डेफिनेटली करियर और जॉब को लेकर कुछ मेजर होने वाला है मे बी. ओके, वन मोर प्लीज. प्रे करिए ज़्यादा. सॉरी, मुझे लगा प्रे मोर आया है. प्रेगनेंसी. ओके, डेफिनेटली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये दूसरे वाले रीडिंग में भी आया था, तो देखिए ज़रा सा संभल के रहिएगा, ठीक है? अगर आप अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो, और अगर चाहते हो तो इट्स गोना हैपन. ओके, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको. सो या, यही थी रीडिंग. अगर रीडिंग पसंद आई है आपको तो लाइक ज़रूर चिपका के जाइएगा, और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाओ, और यस, सी यू नेक्स्ट वीडियो. लव यू गाइस. हैप्पी न्यू ईयर.